ये जानते हैं यहाँ पर एक पड़ोस घर में रहते हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मनीष जुनेजा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जो प्रदेश सरकार के निर्देश आए हैं और यहाँ आपके मकान के सामने दुकान है और यहाँ दारू दी जा रही है, बेची जा रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा इंडिया आखिरी बॉल पर हारा है, तो मुझे तो हारता हुआ ही दिख रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे इतनी मेहनत करके रोका गया था, जिसको हमने और देशों के मुकाबले सफल बनाया था कि 42,000 आज 365 है, तो जिस हिसाब से शोषण जिस तरह से उल्लंघन होता है वो मुझे दिख रहा है, दूर दूर तक प्रशासन की कोई भी जिम्मेदारी ना कोई पुलिस का आदमी दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कल अखबारों में यही होगा कि 6,000 से 7,000 मरीज बढ़ गए और रोजाना बढ़ेंगे, जबकि ये रेड जोन है। जब आपने ग्रीन जोन में दिया है कि आप और अन्य सामान की दुकानें खोल लें, तो शराब की दुकान का तो तुक्की नहीं बनता। अगर सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है और सरकार कहती है हमारी शराब से ही अर्थव्यवस्था चलती है, तो सरकार सारा टैक्स इन्हीं से पूरा कर ले, बाकी आम व्यापारी आम जनता को टैक्सों के लिए क्यों परेशान कर रही है। दूसरी बात, सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने हमें अभी, मैंने आज सुबह ही कल की न्यूज़पेपर में पढ़ा था मौजाला में, कि अगर हम अपने कामगारों को बुलाते हैं और उसकी तबीयत या कोई बीमारी होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, उस हिसाब से अगर कल को जो घरेलू हिंसा बढ़ेगी उस पर किसी को तकलीफ होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, क्या देगी? हम इतना सरकार को टैक्स देते हैं, कारोबार हमारा आज 44 दिन से तकरीबन हम बैठे हुए हैं घर पर, और हमारा कारोबार संभालने के लिए हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम दुकान खोलेंगे, आगे हम सरकार को EMI कैसे देंगे, बैंकों को अपनी EMI कैसे देंगे, सरकार को टैक्स कैसे देंगे, बिजली का बिल कहाँ से देंगे, स्कूलों की बच्चों की फीस है। आपने कहा EMI के बारे में, EMI के लिए छूट दे रखी है 3 महीने की और बच्चे की फीस में भी छूट है, ये जानकारी तो आपको होगी? बिल्कुल जानकारी है सर, छूट है 30 जून तक की जी, 30 जून तक की ना, 1 तारीख को बैंक समझ लेगा, 2 तारीख को समझ लेगा, 3 तारीख को, 5 तारीख को तो बैंक कहेगा ना मुझे सारी किस्त दे दो, और 5 तारीख तो मेरे पास, जब मैं समझता हूँ बरेली छोड़िए पूरे देश में कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं है जिसके पास दुकान खुली है तुरंत कस्टमर। देखिए किस तरीके से जाम का नज़ारा, दुकान खुलने के बाद लोग और यहाँ पुलिस का एक भी मुस्तैद सिपाही नहीं है जो कि इस जाम को और इस व्यवस्था को दुरुस्त कर पाए। शायद पुलिस यहाँ आती दिख रही है, सायरन बोल रहा है जो इस व्यवस्था को कमांड करेगी, और ये नज़ारा जाम का किस तरीके से है, अभी तक कोई भी पुलिस व्यवस्था नहीं है, दुकान के निर्देश खुलने के दे दिए गए हैं और बरेली रोड जोन में है। जैसा कि अभी तक पुलिस व्यवस्था नहीं थी और पुलिस व्यवस्था आने के बाद देखिए लाइन कायदे की किस तरीके से लग गई है, क्योंकि अभी तक व्यवस्था अर्थव्यवस्था में बदली हुई थी, जैसी पुलिस यहां पहुंची लाइन के आने के बाद सभी लाइन में हो गए, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि पुलिस व्यवस्था का इंतजाम नहीं है, लेकिन पुलिस आने के बाद जैसा कि पुलिस तुरंत ही सख्ती बरतती हुई, काउंटर पे 102 लोग ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इस तरीके से ऊपर नहीं चढ़ने दो ऐसा अनाउंस करते हुए थाना प्रेम नगर इंस्पेक्टर, एक एक दो दो बोतल ही लोगों को दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, जैसी पुलिस
मौजूद हुई।